सीटू से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन मंडी जिला का सम्मेलन कॉमरेड ताराचंद भवन मंडी में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता हमिंद्री शर्मा, बिमला शर्मा, गोदावरी वालिया, क्षमा शर्मा ने की। सम्मेलन का उद्घाटन यूनियन की राज्य महासचिव वीना शर्मा ने किया। महासचिव वीना शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बीते सप्ताह पेश किए गए बजट प्रस्ताव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और बाल विकास परियोजना के बजट में कटौती कर दी है और इस परियोजना को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है, जिसका यूनियन विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि यूनियन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी व अन्य सुविधाएं देने का फैसला 2 साल पहले दिया है, लेकिन हिमाचल सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। मैं वीना शर्मा, महासचिव आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधी CITU। आज जिला मंडी के अंदर हमारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स का सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में अलग अलग प्रोजेक्टों से बहुत सारी वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ पे उपस्थित हुई हैं और अपने संगठन को मजबूत करते हुए जो हमारी डिमांड्स हैं, जिसमें हमारी वर्तमान समय में मेन डिमांड है मिनी आंगनवाड़ी वर्कर की सैलरी को लेकर, जो कि पिछले 4 महीनों से पेंडिंग पड़ी है उसको लेकर है। मेन आंगनवाड़ीज का जो सैलरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी पेंडिंग पड़ा है और इन चीज़ों को लेकर, साथ ही जो ग्रेजुटी का मुद्दा है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार दिया जाना चाहिए वर्कर हेल्पर्स को, लेकिन अभी जो राज्य सरकार है वो इस पर कोई भी गौर नहीं कर रही है। पेंशन है, ग्रेजुटी है और नियमितीकरण का जो मुद्दा है उनको लेकर भी हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है यूनियन है, इसके ऊपर रणनीति तैयार कर रही है। प्री प्राइमरी में जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने सीधा ही आंगनवाड़ी वर्कर्स को इसके से बाहर किया है। प्री प्राइमरी के लिए इन्होंने NTT में 2 साल का डिप्लोमा लेने की बात कही है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स ये काम पहले 45 सालों से कर रही है, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कोई डिप्लोमा होने की ज़रूरत नहीं थी। इस पर भी सरकार गौर करे, अगर इस तरह से नहीं करती है तो फिर अपने संगठन को मजबूत करते हुए हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और सीटू जो मजदूरों का संगठन है उसका मंडी जिला का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ हमारा जो सीटू कार्यालय है उसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जो सीटू से संबंधित है उसका जो द्विवार्षिक है जो सम्मेलन है जो आज यहाँ संपन्न हुआ है, जिसके अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की मांगे हैं उनके बारे में पूरा चिंतन मंथन किया गया है और जो सरकार जिस तरह से एक तरह से भेदभाव इन वर्कर से कर रही है उसको जल्दी से जल्दी हल करने की मांग की है। जो सीटू है वो 1990 से लेके ही आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की मांग के लिए लड़ाई लड़ती रही है और एक लंबे आंदोलन संघर्ष के बाद जो मानदेय उनको 250 और 125 रुपये मिलता था जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो आज वो 9,500-10,000 तक जो पहुँचे हैं वो एक लंबे आंदोलनों का परिणाम है। हमारी अभी भी मांग है कि ये जो वर्करें हैं जो 1975 से काम कर रहे हैं इस परियोजना में, इनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, रेगुलर किया जाए, इनको पेंशन के का प्रावधान किया जाए, ग्रेजुटी जो है वो उनको मिलनी चाहिए, जो कई तरह की छुट्टियां हैं मेडिकल लीव है उस तरह की, वो सारे जो प्रावधान हैं इनको मिलने चाहिए। अभी सरकार कई तरह के काम इनके ऊपर थोप रही है, पोषण ट्रैकर ऑनलाइन उस तरह के वो सारी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन दिए थे वो चल नहीं रहे जो आज से 4-5 साल पहले दिए, तो उस तरह सी कई और समस्या भी हैं। और एक और मुख्य मांग जो आज यहाँ चर्चा की गई वो है कि लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में जो नर्सरी टीचर भर्ती करने की जो शर्त है उसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर की मांग ये रही है कि उन्हीं को वो नर्सरी टीचर लगाया जाए, क्योंकि वो काम बच्चों को पढ़ाने का कर ही रही हैं। पिछली सरकार ने 30% कोटा किया था पहले, फिर अब जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस की, इन्होंने भी चुनावों से पहले घोषणा तो की थी, वादा किया था, मगर अब उससे पीछे हट गए हैं और अब ये शर्त लगा दी कि जो आंगनवाड़ी वर्कर जिसने NTT का डिप्लोमा किया है और वही उसके लिए पात्र होगी। और एक जनविरोधी मजदूर विरोधी फैसला इस सरकार ने ले लिया कि ये सारे आउटसोर्स पर भर्ती होगी, तो हमारा उसका विरोध है, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन का भी, सीटू का भी, कि ये जो भर्ती है वो आंगनवाड़ी वर्करों में से हो, रेगुलर आधार पर हो, ये किसी आउटसोर्स माध्यम से ना हो। तो इन सब मांगों को लेके यहाँ चर्चा की गई है और आज एक नई जो जिला कमेटी है उसका भी जो गठन है वो यहाँ किया गया है, जो अगले 2 साल तक इस यूनियन का जो संचालन है वो करेगी सीटू के मार्गदर्शन के अंदर। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल TV के लिए मंडी से अजय रांगड़ा की रिपोर्ट।